अपनी बातों को आपने रखा। अब बिहारी बाबू को यह कहना कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा, आखिर सदन कैसे चल रहा था कि सदन नेता ने कहा आसन को कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा, उंगली दिखाया गया, यह अपमानजनक। जो वक्तव्य दिया गया और आसन की ओर आसन के कार्यों में जो हस्तक्षेप, पूरे सदन महोदय मर्माहत है। ये घटना राज्य के जनता, सदन के सदस्य ही नहीं पूरे देश और दुनिया के लोग इससे मर्माहत है महोदय। आज तक ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अलोकतांत्रिक कल बातें कही गई महोदय, इससे हम लोग सदन में आहत है महोदय। और अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही सदन आसन सर्वोपरि है महोदय, और आसन को निर्देश देना हमको लगता है कहीं से उचित नहीं है महोदय। महोदय महोदय एक बात, जब तक माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं आते हैं तो महोदय हमको लग रहा है उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, उनको आना चाहिए और सदन को बताना चाहिए कल क्या घटना घटित हुई। महोदय हम लोग मर्माहत हैं, अध्यक्ष जी को बुलाया जाए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ललित जी कल की घटना का जिक्र कर रहे हैं, ये अलग बात है कि कल वो सदन में नहीं थे, लेकिन फिर भी जिस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, फिर माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो आसन से टिप्पणी की, हमारे हम लोगों की समझ से कहीं भी कोई उसमें असंसदीय अशोभनीय बात नहीं। मुख्यमंत्री जी ने महोदय क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्य और दायित्व संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, रेखांकित हैं। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे में हस्तक्षेप करने से असहज परिस्थिति उत्पन्न होती है, पहली बात। दूसरी बात, आसन से अध्यक्ष महोदय ने भी उसी रूप की बात कही जो संविधान सम्मत तरीके से सब काम होना चाहिए। पहली बात कि दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, और जहां तक मुख्यमंत्री के द्वारा आसन या सदन के प्रति कुछ भी चीज असम्मानजनक से कहने की ढंग की बात है महोदय, वो बिल्कुल निराधार इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री ने तो आसन से हाथ जोड़ के निवेदन किया जो संवैधानिक परंपरा है उसका निर्वहन किया जाए। महोदय महोदय शांति बनाए रखिए, बैठिए आप। अरे सुन लीजिए पूरी बात, बात सुन लीजिए, पूरी जवाब सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लिया जाए। माननीय मंत्री जी का पूरा सुन लीजिए, कृपया बैठ करके सुन लीजिए। आपने 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 अपनी बातों को रखा है मेरे महोदय, भाई वीरेंद्र जी महोदय, आपने अपनी बातों को रखा, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ये लोग शांत होंगे तब हम कहेंगे। कृपया शांति सुनिए जवाब। ललित बाबू आपकी बात, आपकी बात सुनी गई है। हमारा आग्रह होगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं पूरी बात सुन लीजिए कम से कम। महोदय आप जब महोदय, हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी बातें कही, संविधान सम्मत विधायिका और कार्यपालिका के अपने अपने दायित्वों और अधिकार क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने आसन से सौ सम्मान हाथ जोड़ के, अब सुनिए बोलना दीजिए। देखिए आप लोग जब बोल रहे थे सुदेश जी, रमानु जी, आप लोग, फिर मेरा आग्रह है, हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री का जवाब जब हो रहा सुनिए कम से कम, फिर अपनी बात तो रखिएगा ना, माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद बात तो रखिएगा। कृपया शांति बनाए रखें, अपनी बातों को रखा है आपने, सुन लीजिए बात को पूरी सरकार की तरफ से। महोदय
तो मैं यही कह रहा था कि उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, पूरी बात सुन लीजिए महोदय, आपने अपनी बातों को रखा है, अध्यक्ष को सफाई देना पड़ेगा महोदय, कोई सफाई की जरूरत नहीं है महोदय, भाई वृंद्र बैठ जाइए, कोई हत्या नहीं हुआ है, बैठिए, अपनी बातों को रखा आपने है, अब माननीय मंत्री जी की बात सुनिए, कोई अवमानना नहीं हुआ है, कृपया बैठ जाइए, और आप लोगों ने अपनी बातों को रखा है, आपके द्वारा बातों को रखा गया है महोदय, मेरा आग्रह है आप सबों से, अभी आपके मुख्य सचेतक जी रखा बातों को महोदय, अब सुन लीजिए माननीय मंत्री जवाब महोदय, ये सवाल सारे सदन का है, आसन का है, ये लोग आसन की बात नहीं मानेंगे, आसन की अवज्ञा करेंगे, लेकिन आसन के अवमानना की बात करेंगे, अवमानना कौन कर रहा है महोदय, हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि चाहे माननीय, प्लीज बैठ जाइए, अब पूरी बात सुन तो लीजिए महोदय, पूरी बात सुन लीजिए, सरकार पूरे सरकार मुख्यमंत्री सहित का मानना है कि आसन सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सिर झुका के आसन से आग्रह किया था, और महोदय आज ये लोग कह रहे हैं कि आसन पर अध्यक्ष आके सफाई दे, अध्यक्ष सफाई देता है, अध्यक्ष सफाई देगा महोदय, शासन मैंने सदन सवाल करेगा और अध्यक्ष सफाई देगा, ये इनके संसदीय जनतंत्र का तरीका है महोदय, इसलिए भाई वीरेंद्र जी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए, फिर आग्रह हमारा है, माननीय मंत्री जी पूरी बात समाप्त नहीं कर पाए हैं, कृपया बोलने दो दीजिए उनको, फिर हमारा आग्रह है कृपया आप लोग बैठ जाएं, पूरी बात सुनने दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना, संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं, फिर हमारा आग्रह है, तो सरकार जवाब दे रही, सुनना चाहिए आपको महोदय, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि सदन को, देखिए आपकी बातों को सुना गया है, अब सरकार का जवाब तो सुनिए, मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि सदन को नियमों से चलना चाहिए, नियम के विपरीत नहीं चलना चाहिए, तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा, अध्यक्ष महोदय ने भी यही कहा कि सदन को नियमों से चलना चाहिए, तो मुख्यमंत्री और अध्यक्ष तो एक ही बात कह रहे थे, बात में फर्क कहाँ था, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं थी महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, कोई सी बात नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे क्वेश्चन आप चलने दीजिए,